आज हम बात करने वाले हैं उन पांच बातों की जो हम सभी को सीखनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से। जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए तो एक काम कीजिएगा, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसे पढ़ना शुरू कीजिएगा। जिंदगी की हर शंका का समाधान आपको मिलेगा, हर समस्या का सलूशन आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं पांच सीख की श्री कृष्णा जी से। पहली सीख सीखने वाली सबसे बड़ी और सबसे पहली बात, कर्म की महत्त्वा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे ही अध्याय में कहा है। धनुर्धर अर्जुन से जब अर्जुन ने कहा कि अब तो मुझे युद्ध नहीं लड़ना, युद्ध भूमि में मैं क्यों लड़ूं, क्या मिलेगा मुझे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मोह है फल से उसे खुद को निकाल दो, ये जो यात्रा है मंजिल तक पहुंचने की इस सफर को अनाद लो। भगवान श्री कृष्ण जिस कर्म की बात कर रहे हैं वह यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। यज्ञ जो होती है वह आराधना की विधि विशेष है, उसका नाम यज्ञ है। श्वास प्रश्वास का ध्यान जो है वह यज्ञ है। फोकस कीजिए अच्छे काम की तरफ और जो यात्रा है आपके अंत तक पहुंचने का आनंद लीजिए, बाकी सब भूल जाइए, उस पर छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेगा। जो अच्छा काम करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। महाभारत की एक घटना है, महाभारत के युद्ध से पहले धनुर्धर अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास में मदद मांगने के लिए गए थे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे तो जो दुर्योधन था वो भगवान श्री कृष्ण के सर के पास जाकर खड़ा हो गया। धनुर्धर अर्जुन जो थे वो भगवान के चरणों में जाकर बैठ गए और सेवा करने लग गए। जहां भगवान की नींद खुली तो सबसे पहले चरणों में अर्जुन को पाया और कहा कि बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। दुर्योधन गुस्सा हो गया, झगड़ने लगा कि मैं बड़ा हूं, मैं पहले आया था, वो तुम मांग लो। तो कृष्ण जी बोले तुम्हें क्या मांगना है। तो दुर्योधन की जितनी बुद्धि थी, जैसे कर्म थे, उसने मांगा कि विशाल सेना चाहिए मुझे, और अर्जुन की जैसी बुद्धि थी, जैसे कर्म थे, उसने मांगा कि भगवान मुझे आपका साथ चाहिए, आप बस मेरे रथ के सारथी बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए क्योंकि उन्होंने अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। उसके बाद में जो हुआ, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जिस तरीके से उन्होंने युद्ध की रणनीति बनाई और जिस तरीके से जीत दिलवाई, ये बताती है कि जिसके कर्म अच्छे हैं उसके बाद जो फल मिलेगा वो अच्छा ही होगा। दूसरी सीख जो भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाली बात यह है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक वजह है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा कि सब कुछ छोड़कर के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना चाहा कि इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उनके पीछे कोई कारण है, और हम सब जो है ऊपर वाले की बनाई हुई संतान है, और जो ऊपर वाला है वो अपनी संतानों के साथ बुरा नहीं कर सकता। तो कभी अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपके ही कर्मों के परिणाम हैं जो वापस लौट करके आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो यह भी कहा कि कर्मों का परिणाम वैसे ही ढूंढ निकालता है जैसे कि एक बछड़ा खो जाने पर हजारों गायों में सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ निकालता है। तो इसीलिए अच्छा होगा, इस बात में यकीन रखिए, अपने आप को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, उसके बाद भूल जाइए, बाकी सब कुछ उन्हें देखना है। तीसरी सीख सचेतन होना, सचेतन को और समझें तो आज में रहना, आज को लेकर तैयार रहना, वो चेतना आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को अक्सर सिखाया कि आप आज में रहना शुरू कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, अभी जो है उसमें जीना शुरू कीजिए, इस क्षण में रहना शुरू कीजिए। सचेतन होनी बहुत जरूरी है, आपकी जो दिमागी शक्ति है, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसको लेकर आप चिंता में होते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आप सचेतन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप सचेत हैं, आप तैयार हैं, आज को लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आगे की तैयारी भी आपकी पूरी है तो हर चीज़ का समाधान निकल आता है। जब मस्तिष्क आपका थोड़ा सा शांत है, आप सहज रहकर के चीज़ों को समझ रहे हैं, चंचल मन को भी जो चंचल मन को भी उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर आप चाहे तो एक छोटी सी महाभारत की घटना है, उससे आप समझिएगा कि सचेतन कितनी जरूरी है होना। भगवान श्री कृष्ण के पास में एक बार द्रौपदी आई और आकर के कहने लगी कि वहां पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरे पति को मार दे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे घबरा क्यों रही, शांत हो जाओ और आप जाओ उनके शिविर में और पितामह भीष्म को जाकर बस प्रणाम कर लो। द्रौपदी गई उनके शिविर में, जो कहा था भगवान श्री कृष्ण ने माना और वहां जाकर प्रणाम किया। पितामह भीष्म को फिर पितामह भीष्म कहने लगे, जरूर ये काम मैंने तुमसे किया है। भगवान श्री कृष्ण के पास में इस दुनिया की हर समस्या का समाधान है। पितामह भीष्म ने उसे शिकार किया। हर घटना से महाभारत की बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण से काफी कुछ सीखा जा सकता है। आगे सीखने वाली चौथी सबसे बड़ी बात, अपने गुस्से को शांत कीजिए। जो आपका गुस्सा है, अगर ये बेकाबू हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि जब गुस्सा आता है तो भ्रम पैदा होता है। भ्रम जो होता है वो बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का विनाश हो जाता है। क्रोध की वजह से ही महाभारत की शुरुआत हुई। दुर्योधन को क्रोध आता था, उसने एक ऐसा खेल रचा जहां पर द्रौपदी को बुलाया गया सभा में, और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की। ये एक घटना ऐसी थी जिसने दुर्योधन का और उसके भाइयों का विनाश कर दिया। महाभारत की ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि गुस्से पर काबू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवी सीख, कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, बल्कि ऐसा नहीं है। यहां सारथी भगवान श्री कृष्ण ने बिना युद्ध लड़े ही महाभारत का युद्ध जीत लिया। ये पांचवी सीख बहुत ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनना भी स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो काम है ये मेरे सखा अर्जुन को जीत दिला सकता है। हर काम का सम्मान कीजिए, हर पद का सम्मान कीजिए, हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं। उन्होंने महाभारत में, गीता में बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो हम सबकी जिंदगी को बदल सकती हैं। बस जरूरत है उन बातों पर अमल करने की। प्यारे भगत जनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली और भी सभी वीडियो आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।